हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मिस्टर बग्गा किचन। और आज हम लोग बनाने वाले हैं हैदराबादी दम बिरयानी। ये वाली बिरयानी बनेगी वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन हमारे घर पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आई एम प्योर वेजिटेरियन। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं यही वाली बिरयानी। तो फिर चलिए फटाफट, इसकी लुक तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। सबसे पहले हमें बनाना है बरिस्ता। अब बरिस्ता क्या होता है? बरिस्ता होता है स्लाइस अनियन को जब हम ऑयल के अंदर में फ्राई करते हैं थोड़ी सी कम फ्लेम के ऊपर में, तो उसे बोलते हैं बरिस्ता। अब ऑयल के अंदर में मैं अपने अनियन डालता हूँ। ये है क्वार्टर कप ऑयल जिसके अंदर में मैंने डाला है 250 ग्राम अनियन, जिसे मैंने पतला पतला स्लाइस किया हुआ है, मीडियम फ्लेम के ऊपर में है। इसे अच्छे से अब हम मिक्स करेंगे ऑयल के अंदर में, ताकि ऑयल अच्छे से कोट हो सके अनियंस के ऊपर में। अब ये कोटिंग बहुत ही ज़रूरी है। अब इसे हम लोग ढक देते हैं और मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। लेकिन बार बार हर एक मिनट में इसे हमने उठा के इसका ढक्कन हमने इसे पकाना पड़ेगा। अब ये देखिए, एकदम ये ब्राउन हो जाते हैं और एकदम क्रंची हो जाते हैं। और अब इसे हमने निकाल लिया है एक टिश्यू पेपर के ऊपर में, और ये जो बचा हुआ ऑयल है इसे फेंकना नहीं है, इसका हम यूज़ करने वाले हैं रेसिपी में। अब हम इसे अलग अलग कर देते हैं फोक के साथ में। ये अलग करना ज़रूरी है, नहीं तो ये आपस में चिपके हुए लगेंगे और अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इसे एकदम अलग कर दें और नैपकिन के ऊपर में ही इसे निकालें। इसका ऑयल जितना भी एक्स्ट्रा होगा वो हम निकाल देते हैं। अब हमारा बरिस्ता रेडी है, उसे रख दिया हमने साइड में। अब मेरे पास में 2 से 3 बड़े चम्मच गर्म पानी, इसमें अब मैंने डाला है केसर। केसर के 15-20 धागे इसमें मैंने डाले हैं। अब इसे रखते हैं साइड में, थोड़ा सा इसे अच्छे से फूल जाने देते हैं केसर को। अब एक बाउल में हम लोग 2.5 कप डालेंगे चावल। ये बासमती चावल है, इंडिया गेट बासमती राइस मैं यूज़ करता हूँ। अब इसमें डालेंगे 1 लीटर पानी। अब इसे कर देते हैं मिक्स थोड़ा सा, उसके बाद में इसे रखते हैं साइड में आधे घंटे के लिए। अब एक और बाउल है मेरे पास में, इस वाले बाउल में डालेंगे 1/2 कप दही, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून हल्दी और 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला। ये जो शाही बिरयानी मसाला है एवरेस्ट ब्रांड का, ये है मेरे पास में। ये मैंने 2 बड़े चम्मच डाला है। अब सब्जियों में डालते हैं ग्रीन चिल्ली 2 पीस, सोया के चंक्स है, ये बॉयल्ड सोया के चंक्स मैंने किए, बस बॉइलिंग वाटर में 5 मिनट के लिए डाला, इसे स्क्वीज़ किया, इसका पानी निकल गया और एकदम 1/4 कप है ये। ये मैंने डाला और साथ में मैंने सब्जी भी डाली है। अब ये जो सारी सब्जियाँ, ये है गाजर है, सोया है, बीन्स है, गोभी है, ये सब मिला के 2 कप है। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप धनिया, 1/4 कप पुदीना, 1.5 छोटे चम्मच नमक के। बाकी एक बार आप इसे टेस्ट कर लें, नमक इसमें आप एक बार ज़रूरी है टेस्ट करना, आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है, अच्छे से अब मैरिनेट होगा। इसे अब रख देते हैं साइड में मैरिनेशन के लिए। अब हमारे जो चावल है इसे 1/2 घंटा हो चुका है भीगे हुए। इसका जो पानी है अब इसे हम स्ट्रेन कर लेंगे और इसे अच्छे से हम वॉश भी करेंगे 1-2 बार, क्योंकि हमने वॉश नहीं किया था अपने राइस को। अब मेरे पास में है एक पतीला, यानी कि एक पैन है, जिसके अंदर में मैंने 1.5 लीटर पानी डाला है हाई फ्लेम के ऊपर में। 1 टीस्पून इसमें जाएगा जीरा, 1 बड़ा चम्मच नमक का, 1/2 नींबू का जूस इसमें जाएगा, और वो जो हमारा अनियन वाला जो ऑयल था ना, वो 1 बड़ा चम्मच हम इसमें डालेंगे। इसे करते हैं मिक्स। ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है पानी वाला काम, क्योंकि हमने इसमें राइस को डालना है। अब वो जो बर्तन था वो थोड़ा सा मुझे छोटा लगा, इसलिए मैंने वो सारा चीज़ मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है बड़े वाले बर्तन में, यानी कि बड़ी वाली मेरे पास में ये वाली कढ़ाई है। इसमें एक बॉयल इसमें आ चुका है हाई फ्लेम के ऊपर में, दैट्स इट। अब इसे करते हैं लो और अब इसमें डालेंगे अपने चावल, बड़े ही आराम से चावलों को डालेंगे, टूटने नहीं चाहिए। चावल को डाल के बड़े ही हल्के हाथों के साथ में इसे हम हिला देते हैं। उसके बाद में अपनी हाई फ्लेम करके 1 बॉयल आने का वेट करेंगे, सिर्फ 1 बॉयल, उससे ज़्यादा 1 मिनट भी नहीं।
ये देखिए एक बॉयल अब आ चुका है, बस काफ़ी है, इससे ज़्यादा एकदम भी नहीं हमने पकाना है। अब इसे हमने स्ट्रेन कर लिया है, यानी कि एक छननी में इसे मैंने छान लिया है, पानी फेंक दिया है, खाली चावल बचे हैं इसे रख देते हैं साइड में। अब एक हांडी है मेरे पास में, ये जो मेरे पास बचा हुआ तेल था ना अनियन वाला वो मैंने डाल दिया है, और साथ में 2 चम्मच घर पे जो चम्मच होते हैं उससे घी, और इसमें मैंने कुछ गरम मसाले भी डाले हैं जैसे कि दालचीनी है 2 इंच, और साथ में हरी वाली इलायची है 4 पीस, और साथ में ये है मेरे पास में जीरा है 1 टीस्पून। इसे अच्छे से हमने भून लेना है, और इसमें हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच काजू के। काजू को भी थोड़ा सा एकदम ब्राउनिश करना है, सिर्फ 30 सेकंड इसे भूनना है, और उसके बाद में इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये एकदम फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1 टीस्पून है। इसे अच्छे से हमने मिक्स किया है, और ये भी एकदम ब्राउन होने तक हमने पकाया है लो फ्लेम के ऊपर में, ये सारा काम हमने किया है। अब इसमें मैंने डाला है 1 मुट्ठी भर के बरिस्ता यानी कि फ्राइड अनियंस। अब इसे भी कर देते हैं थोड़ा सा मिक्स, ज़्यादा नहीं 10 से 20 सेकंड के लिए। अब इसमें डालते हैं अपनी सब्जियाँ जो कि मैरिनेट अब हो चुकी हैं। सब्जियाँ डालने के बाद में अपनी फ्लेम को करेंगे हाई फ्लेम पे, सिर्फ 3 मिनट इसे हमने चलाते हुए पकाना है, सिर्फ 3 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा थोड़ा सा भी नहीं। अब अपनी फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी, मेजरिंग कप से 1/2 कप पानी, इसे करेंगे मिक्स, फ्लेम लो है याद रखें। अब इसमें हम अपने चावल की लेयर्स इसमें लगाएंगे, ये लग गई 1 लेयर, जो फर्स्ट लेयर है वो थोड़ी ज़्यादा लगाते हैं। अब ऊपर से बरिस्ता डालेंगे और फिर से एक और लेयर चावल की लगाएंगे, और फिर से बरिस्ता डालेंगे बचा हुआ, और ऊपर से फिर से थोड़े से जो भी बचे हुए चावल है एकदम पतली वाली लेयर लगा देंगे, और ऊपर से ये केसर वाला पानी इसमें डाल देंगे। और मेरे पास में गुलाब जल नहीं है तो भी चलेगा, वैसे डालेंगे तो अच्छा रहेगा, 1 चम्मच के करीबन गुलाब जल भी इसमें मैंने डाल दिया है। अब इसका ढक्कन लगाते हैं, और आटे के साथ में इसकी सीलिंग करनी है। आटे को ऐसा गूंथना है जैसे आप रोटी बना रहे हैं, बस अच्छे से इसकी मैंने सीलिंग कर दी है साइड्स में से। अब एक तवा लेते हैं, तवे को लो फ्लेम के ही ऊपर में रखा हुआ है। अब अपनी हांडी को या कुकर को, ये कुकर ही है बेसिकली, हांडी वाला कुकर है जिसके ऊपर में ढक्कन भी लग जाता है ऐसा शीशे वाला, तो ये अब हमने लो फ्लेम के ऊपर में रख दिया है 20 मिनट के लिए। गाइस अब 20 मिनट हो चुके हैं, एडिटिंग में ऐसा ही होता है, बहुत जल्दी जल्दी टाइम बीतता है। अब ये देखिए आटा भी हमारा अच्छे से पका हुआ आपको लग रहा होगा, जब आटा पक गया है तो अंदर वाली चीज़ तो पकेगी ही ना, ऑब्वियस ही बात है। अब 20 मिनट के लिए इसे हमने वैसे ही छोड़ दिया है, ये देखिए अभी इसे नहीं खोलेंगे टोटल 20 मिनट के बाद में। अब गाइस 20 मिनट इसे हमने पका भी लिया है, और 20 मिनट इसे हमने साइड में भी रख दिया है, अब इसे खोलेंगे यानी कि टोटल 40 मिनट्स। अब इसे खोलेंगे, पता नहीं आपको धुआं नज़र में आ रहा था अभी कि नहीं। अब ये देखिए पास से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, वैसे ये टेस्ट में भी अच्छे हैं क्योंकि मैं तो खा चुका हूँ ना। अब इसकी हमने लेयर्स को काटना है। अब इसे हम कैसे काटते हैं ये देखिए, एकदम अंदर तक डालना है अपने स्पैटुला को, यानी कि जिस भी चीज़ से आप निकाल रहे हैं, और एकदम अंदर से हमने निकालना है। वो देखिए तीनों लेयर्स एक बार में निकलनी चाहिए, ऐसा हमने इसे निकालना है। अब ये देखिए फिर से आपको दिखाता हूँ, एकदम अंदर से मैंने डाला और एकदम नीचे तक मैंने निकाला है, ये देखिए नीचे तक एकदम नज़र आ रहा है ना कुकर, ऐसे हमने इसे निकाला है, मिक्स बिल्कुल भी नहीं इसे करना है। दैट्स इट, बहुत ज़्यादा इजी वे से आप बना सकते हैं हैदराबादी दम बिरयानी। ये देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, हर तरीके का इसके अंदर में टेक्सचर है, कलर है, नीचे मसालों का भी फ्लेवर है, ऊपर में बरिस्ता का भी फ्लेवर है, और ऊपर में वाइट राइस भी हैं जो कि इक्वली ज़रूरी है इस कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा मसाले वाली फिर हो जाएगी, इसलिए ये भी ज़रूरी है। उसके बाद में अब आप इसे खा सकते हैं। खाने का जो तरीका है वो है इसे मिक्स करके, इसे आप थोड़ा सा मिक्स कर ले उसके बाद में आप इसे खाएँ, अच्छा आपको लगेगा। दही के भी साथ में इसे खा सकते हैं। बाय बाय।